तो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था पैराग्राफ मॉडिफिकेशन के बारे में, हार्डर एंड फूडर इंसर्शन एंड देन पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स, और उसके बीच में हम कुछ स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सेशन 7 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट है जो हाईलाइट कर रखा है। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बुक विद साइंटिफिक कॉन्टेंट, यू नीड टू यूज स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर सम कैरेक्टर्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड टू अ सिंगल कैरेक्टर और वॉट। ओके, सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमें कुछ यू नो अट्रैक्टिव या कुछ अच्छा साइंटिफिक कंटेंट का, या कुछ जैसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक देखी होगी, जैसे अभी आप देख रहे हो सामने कितना कलरफुल है ना, कि यहाँ पे ब्लैक कलर में, यहाँ पे ब्लू कलर का इसका बॉर्डर है, ओके, यहाँ पे ये ब्लू कलर में। तो अगर इस तरीके से हमें कुछ बुक्स बनानी जिसमें कुछ पिक्चर्स चाहिए, या हमारे जो कैरेक्टर्स है उनको हम पे कुछ उन कैरेक्टर्स पे कुछ स्पेशल टाइप का हमें फॉर्मेट डालना है, उसको बोल्ड करना है, उसका बैकग्राउंड डालना है, तो इस टाइप का जो हम कैरेक्टर के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जैसे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ करते हैं, हम वर्ड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ए क्या है, कैरेक्टर है, तो ए के ऊपर जैसे आप अप्लाई करोगे फॉर्मेटिंग, वो सेम प्रोसेस आपका एक वर्ड के ऊपर भी रहेगा। अगर नाम लिखा है अनामिका, तो आप उसको पूरा सेलेक्ट करोगे तो उस पर भी आप सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। सो इस सेक्शन में हम जो है यही सब कुछ लर्न करने वाले हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में। सो ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है वर्ड प्रोसेसर के अंदर और आपने ये पैराग्राफ लिखा है। ओके, जैसे मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, ये जब हमारा जो चैप्टर 2, 3, 4, 5 सारा कंप्लीट हो जाएगा, स्प्रेडशीट, वर्ड एंड प्रेजेंटेशन वाला, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल सेशन लूँगी। प्रैक्टिकल के जो वीडियोस होंगे उनमें सारी चीज़ें मैं आपको थेरेटिकली पढ़ा के बता रही हूँ, ये पूरा हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, अभी मैं आपको सारा थेरेटिकली बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास विंडोज़ नहीं है जिसमें कि मैं आपको सारा प्रैक्टिकली फॉर्मेटिंग और सब करके दिखाऊं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। सपोज आपने पैराग्राफ राइट किया है, नाउ टू मेक चेंजेस यू मे नीड टू फॉर्मेट द कैरेक्टर्स आर शोन बिलो। ओके, एंड यू विल नोटिस दैट सेम वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ आर इन बोल्ड, सेम सम आर इन इटैलिक, सम आर इन अंडरलाइन, सम आर इन कलर एंड सम आर चेंजिंग इट्स पोजिशन लाइक सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो यही चीज़ें हैं कि हम कैरेक्टर और उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगा देंगे तो हम देखेंगे कि पैराग्राफ का जो लुकिंग है वो कैसे डिफरेंट हो जाएगा, किस तरीके से दिखने लग जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं सेम पैराग्राफ था, इसमें वाटर का बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कलर चेंज हो गया है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के पीछे येलो कलर का बैकग्राउंड हो गया है, स्टेट के ऊपर ऐसे आपका क्रॉस लगा हुआ है, वाटर कैपिटल हो गया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। यानी हम एक पर्टिकुलर वर्ड पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पर भी कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मेटिंग करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉन्ट फेस। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक फॉन्ट नेम इन द फॉन्ट ग्रुप टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द फॉन्ट्स लिस्टेड। ओके, सो फॉन्ट फेस का बेसिक मीनिंग होता है फॉन्ट टाइप, यानी कि आपने जो फॉन्ट्स लिखे हैं, आपने जो ये वर्ड्स कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हैं, इनका टाइप क्या रखना है आपको। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ओके, या फिर आप मोनोटाइप कोर्स या जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइप वो वहाँ पे प्रोवाइड होता है। आप जब कोई भी जैसे कि आपको वाटर के ऊपर लगाना है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले पर्टिकुलर वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। सपोज मुझे केमिकल के ऊपर लगाना है, तो मैं पहले केमिकल को ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम फॉन्ट फेस पे जाएंगे, फॉन्ट फेस में हमको जो भी टाइप चाहिए हम उसमें से क्लिक करेंगे, तो वो जो टाइप है, स्टाइल है, वो हमारे इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। सेम आपको फॉन्ट साइज़ रहता है, फॉन्ट फेस में हम टाइप कर रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे वाटर एक डिफरेंट दिख रहा है, केमिकल सब्सटेंस बाकी सारे एक जैसे दिख रहे हैं वर्ड्स, है ना, तो वाटर के ऊपर टाइप लगाया हुआ है, तो कोई डिफरेंट टाइप यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी लुकिंग क्या है, डिफरेंट दिख रही है। हमको अगर ऐसे लुकिंग चेंज करनी है तो हम फॉन्ट टाइप का यूज़ करेंगे। अगर हमको साइज़ चेंज करनी है, कोई बड़ा रखना है साइज़, किसी का छोटा रखना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस। कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले, कोई भी टाइप इंप्लीमेंट करने से पहले आपको सेलेक्ट तो करना ही है। सपोज़ यहाँ पे फिर से देखिए सब्सटेंस की आपको साइज़ चेंज करनी है, तो आप सब्सटेंस पे से सिलेक्ट करोगे, फिर फॉन्ट साइज़ पे जाओगे और वहाँ पे आपको साइज़ के ऑप्शंस गिवन होंगे, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जो भी साइज़ आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे तो इसकी साइज़ चेंज हो जाएगी, बड़ा या छोटा या जैसा भी आपको चाहिए। वैसे एक आपका होता है ग्रो फॉन्ट। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द
ए और आपके पास में ये वाला साइन, तो ग्रो फॉन्ट एंड जो आपका श्रिंक फॉन्ट है वो एक्चुअली आपका फॉन्ट साइज का ही पार्ट है। अगर आपने सिलेक्ट करके कोई पर्टिकुलर साइज लेना है लाइक 8, 9, 10, 11 तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज फ्रॉम द वैल्यू गिवन, आप उसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लोगे, उसकी साइज उस वैल्यू की जो भी डिफाइंड साइज है वैसी हो जाएगी। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर साइज नहीं देनी है, आपको क्या करना है कि जो भी इसकी साइज है उसी को बस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता। तो आप क्या करोगे, ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करोगे, जैसे जैसे आप उस पर क्लिक करते जाओगे आपका क्या होगा, साइज भी थोड़ा 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 करके बड़ा होता जाएगा। और श्रिंक फॉन्ट क्या करता है, साइज को जो इसकी एक्चुअल साइज है इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करोगे तो इसके एक्चुअल साइज से धीरे धीरे करके क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो यही होता है हमारा ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट, जो कि फॉन्ट साइज की पार्ट्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जब हमको किसी भी नो फॉन्ट ग्रुप पे या किसी भी वर्ड के ऊपर एक लाइन ऐसे क्लिक खींचनी, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेप के ऊपर खींची हुई है इस तरीके से, इसे लाइन से स्ट्राइक करनी पूरी खींचनी इसके ऊपर ना, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द टेस्ट यू नीड टू क्लिक द दिस आइकन, तो आपको इस टाइप का आइकन गिवन होगा जिसमें देखिए ऐसे लाइन ही ऐसा साइन होगा जिसमें ऐसे लाइन कटी हुई है यहाँ पे, तो ऐसे ही साइन आपको दिख जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है आपका सारा होम टैब के अंदर ही आपको मिलेगा। ओके, जैसे हमने टैब्स के बारे में पढ़ा था ना, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट होता है, तो ये सारा जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है आपको होम टैब के अंदर सारे दिख जाएंगे, आपके पास आइकन्स आपको सामने ही दिख जाएंगे। ओके, सो आपको स्ट्राइक थ्रू के लिए ऐसे लाइन खींची हुई होगी किसी वर्ड के ऊपर, किसी कैरेक्टर के ऊपर, दैट मीन्स आपका स्ट्राइक थ्रू है वो। तो अगर आपको स्टेट के ऊपर करना है तो आप क्या करोगे, स्टेट को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे और आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। ऐसे ही आपका सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट जैसे कि हमने एग्जांपल देखा है H2O, तो अगर आप सिंपल H2O लिखोगे तो कैसे आएगा, H2O H फिर इसके साथ में यहाँ पे ऊपर बीच में 2 आएगा इस वाली पोजिशन पर, एंड देन O 2 नीचे नहीं आएगा। अब मुझे जब नीचे 2 को लेना है, जब हम किसी लेटर के इस बिल्कुल नीचे लोअर साइड में ऐसे रखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और अगर हम इसके ऊपर की साइड में यहाँ लिखना चाहें तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, तो मुझे जब 2 को नीचे लाना है तो हम पहले H2O लिख देंगे, यहाँ 2 यही होगा, फिर उस 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबस्क्रिप्ट का ऐसा निशान होता है जिसमें देखिए 2 नीचे लिखा होगा एक्स के, इस पर क्लिक करोगे तो 2 ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। वैसे सपोज आपको लिखना है कि ax2 + bx + c, तो एक्स स्क्वायर लिखना है, नहीं सुपर स्क्रिप्ट करना है आपको, तो आप ax2 लिख दोगे फिर 2 को सिलेक्ट करके उसका सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो क्या होगा, आपका पावर में चला जाएगा। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू सारा कुछ करा हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए तो होम टैब में आपको इस तरीके से आपका ब्लू कलर का आपको रिबन दिखेगा, इसमें ये आपको जो कैलिबरी लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फेस। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टाइप खुल जाएंगे, आप कोई भी फॉन्ट फेस किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज़ है, आपको कोई वैल्यू देनी पर्टिकुलर वैल्यू तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी आपको चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू लेके फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है ना। और ये है आपका फॉन्ट ग्रो फॉन्ट, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेके साइज़ धीरे धीरे एक्चुअल साइज से धीरे धीरे ग्रो करना है तो आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, साइज़ आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये है श्रिंक फॉन्ट, तो आप जैसे जैसे उस पर क्लिक करते जाएंगे आपका एक्चुअल साइज से क्या होगा, साइज़ इसका डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आपका है बी इज़ फॉर बोल्ड, आपको अगर कोई वर्ड जो है बोल्ड करना है ना, डार्क, जैसे कि देखिए एटम्स ये क्या है, बोल्ड है ना, ये सब नॉर्मल है, ये बोल्ड हो रखा है, डार्क करना है, तो उसके लिए हम बी पे क्लिक करेंगे, बी मीन्स बोल्ड, टिल्टेड फॉर्म में चाहिए टेढ़ा है ना, तो उसके लिए हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करके और हमारे आई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएंगे हमारे जो वर्ड्स हैं, क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। वैसे ही यू, यू के नीचे देखिए एक लाइन खींची हुई, तो ये होता है अंडरलाइन, आपके किसी भी वर्ड के नीचे लाइन आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ए बी सी के ऊपर कटी हुई है लाइन, दैट मीन्स ये स्ट्राइक थ्रू है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वर्ड पे चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और इस पर क्लिक करिए तो उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ये देखिए सबस्क्रिप्ट जो भी हमने पढ़ा था, तो आप लिखेंगे एक्स टू और टू को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे इस पर एक्स टू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड है जिसको आपने सेलेक्ट किया था वो नीचे आ जाएगा, सेम आपका सुपर स्क्रिप्ट रहेगा। ओके, और ये ए ए जो है बेसिकली हमारे केसेस होते हैं, केसेस मतलब लोअर केस, अपर केस, टॉगल, कैपिटलाइज है ना, तो ये केसेस का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे यहाँ पैराग्राफ था ये वाला, ओके, इसमें देखो वाटर क्या था,
एक कैपिटल था, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स थे। अब आपने पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे ये जो पूरी लाइन थी या पर्टिकुलर वर्ड लेते हैं, सपोज वाटर, ये मुझे चाहिए पूरा कैपिटल चाहिए सारे, तो आप पूरा इसको रिमूव करके और आप वापिस से कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लिखो। इससे बेटर क्या करेंगे, हम उस पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे जो हमें कैपिटल चाहिए, ओके। और पूरी लाइन को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन खुल के आएगा। इसमें अगर सबको आपको स्मॉल करना है तो आप लोअर केस पे क्लिक कीजिए, सारे ही अल्फाबेट्स होंगे वो हो जाएंगे लोअर, यानी कि स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। अगर आपको सारे कैपिटल चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे, अपर केस लेटर हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल हो जाएंगे। नाउ थर्ड होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि आपका जो लाइन है उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने वाटर से लेके हाइड्रोलिक सर्फेसेस तक क्लिक किया, ओके, और फिर आपने ये ए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इससे आपका ड्रॉप डाउन खुला और आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या था इस लाइन का, डब्ल्यू, ये ऑलरेडी कैपिटल है, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर ए, यहाँ पे इस वर्ड का फर्स्ट लेटर ए कैपिटल हो जाएगा, इस वर्ड का ये लेटर कैपिटल हो जाएगा, यानी कि हर वर्ड का पूरी लाइन में फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा, कैपिटल। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड ये काम करता है। फिर होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो चीज़ है उसका उल्टा, ओके। तो अगर जैसे कि आपका हाइड्रोजन एच स्मॉल है तो इसको क्या कर देगा, कैपिटल। वाई स्मॉल है तो इसको क्या कर देगा, कैपिटल। तो जो चीज़ जिस फॉर्म में है, जिस केस में है, अपर है तो उसको लोअर कर देगा, लोअर है तो उसको क्या कर देगा, अपर, उल्टा कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं टॉगल केस। ये सारे आपके केसेस हैं जो इसके अंदर आते हैं, कैपिटल है, स्मॉल है के अंदर, आइकन के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, ओके। सो सपोज आपने क्या किया, ये पूरे सेंटेंस पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी, बट सडनली आपको रियलाइज हुआ कि मुझे इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर आप एक कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएंगे, इसकी फॉर्मेटिंग हटाएंगे, फिर आप हाइड्रोजन पे जाएंगे, इसको ब्लैक करेंगे, फिर एटम्स पे जाएंगे, इसको वापस से बोल्ड हटाएंगे, है ना। हटाने के लिए हम सेम आइकन पे वापस क्लिक करते हैं, तो इस पे जब लगाना है तो हम सिलेक्ट करके बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और हटाने के लिए भी हम सिलेक्ट करके वापस उसी आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो हट भी जाएगा। तो आप एक एक के साथ करेंगे, फिर आप वाटर पे जाएंगे, इसका फॉन्ट फेस इनके जैसे आप करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आपने जो जो चेंजेस किए वहाँ वहाँ जाके उनको सेलेक्ट करके फिर से अपने उसी आइकन पे क्लिक करके उसको हटाओ, ओके। और दूसरा तरीका क्या होता है कि पूरे ही सेंटेंस को एक साथ आप सेलेक्ट करो और उस पर लगा दो क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जैसा आपका पहले था आपका पैराग्राफ वैसा का वैसा ओरिजिनल हो जाएगा, आपको एक एक वर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग इज यूज टू क्लियर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सच इज बॉल्ड, इटैलिक्स, जो भी हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग लगाई है पूरी सेंटेंस के अंदर उसको क्लियर करने के लिए होता है, ओके। टू रिमूव द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस आइकन इन द फॉन्ट ग्रुप, इसके लिए आपको इस टाइप का जो आइकन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको जिस भी सेंटेंस के ऊपर से फॉर्मेटिंग हटानी है उस सेंटेंस को पूरा सेलेक्ट करना है और फिर इस वाले आइकन पर जाके क्लिक करना है, तो आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, पूरी रिमूव हो जाएगी। तो ये आइकन देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर है, ओके, आपका जो श्रिंक फॉन्ट है उसी के जस्ट पास में, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यूज़ दिस ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, ओके। यानी कि हमें हाईलाइट, जैसे कि देखिए मैं अभी हाईलाइट करती हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, ओके, और ये क्या मैंने हाईलाइट कर दिया, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, हाईलाइट हो गया। तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर की है, ये तो एक पीडीएफ फॉर्म है, कोई वर्ड नहीं है, हम वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वर्ड में भी ये सेम चीज़ आप कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का ऐसे बैकग्राउंड आप हाईलाइट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर पूरा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। उसके लिए आइकन होता है ये, ऐसा ए बी लिखा होता है स्मॉल में, ओके, और उसके साथ में इस तरीके का साइन होता है। तो ये चीज़ भी आपको होम टैब के अंदर ही मिलेगी, यहाँ पे देखिए जो आपका अपर केस लेटर्स जो आपका केसेस थे उसके जस्ट पास में, तो यहाँ पे आपको बस उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है तो उस पर बैकग्राउंड आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब कि फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, यहाँ तो इसका क्या बैकग्राउंड चेंज हुआ है, येलो हो गया है, अब मुझे यूज़ का कलर करना है रेड, दिस का करना है ब्लू, ऑप्शन का करना है कुछ भी, या फिर सिर्फ सी का कलर चेंज करना है इसमें, तो जिसका भी चेंज करना है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर कलर अप्लाई करेंगे जो भी कलर हमें चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फॉन्ट कलर, ओके। फॉन्ट कलर भी देखिए बिल्कुल आपका जो ये वाला साइन है इसी के पास में रहेगा,
जो फॉन्ट कलर है उसका सिंबल होता है ए, और नीचे इस तरीके से जिस भी कलर आपका बाय डिफॉल्ट कलर है, ब्लू, रेड, ब्लैक, जो भी रहेगा आपको दिखेगा, बट आपको ध्यान कैसे रखना है, ऊपर कैपिटल ए लिखा होगा और नीचे एक कलर की कोई भी लाइन खींची होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉन्ट कलर। तो ये सारे सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि फॉन्ट कलर का सिंबल क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का सिंबल क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू का क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट केसेस, ओके। और इनके साथ में इनका काम भी ध्यान रखना है कि इसको क्लिक करने पे करता है क्या है। तो स्मॉल चीज़ें मतलब जो यहाँ पे तो आपको देख के समझ में आ रहा है, इसके पास में तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ये भी आपको देख के पता चल जाएगा। ऊपर पावर देने के लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, इस पर लाइन कटी हुई यानी स्ट्राइक थ्रू के, इसके नीचे लाइन है मतलब अंडरलाइन के लिए, ये टेढ़ा है मतलब ये इटैलिक के लिए, ये बोल्ड दिख रहा है मतलब डार्क करने के लिए, ओके। बस ऐसे साइंस जो थोड़े डिफरेंट लाइक ये वाला तो इसका ध्यान रखना है, क्लियर फॉर्मेटिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसका ध्यान रखना है आपको, बैकग्राउंड कलर किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या वर्ड का। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चेंज केस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ केस वाला, ओके। जिसका देखिए कैपिटल और स्मॉल ए वाला साइन था, इसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सारा मैंने आपको बता दिया, टॉगल केस वगैरह, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस। सो इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस के अंदर हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा इंसर्ट, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही कुछ इंसर्ट करने की बात आती है तो हम कौन सा टैब में जाएंगे, इंसर्शन टैब में। तो अभी तक हमने जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करी थी उसमें फॉर्मेटिंग करनी थी, कुछ इंसर्शन नहीं करना था, कुछ इंसर्ट नहीं करना था, तो वो कहाँ पर मिली हमको, होम टैब के अंदर। पैराग्राफ से रिलेटेड काम करना है तो हम कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ मतलब पेज से रिलेटेड कुछ काम है तो पेज लेआउट के अंदर जाएंगे। हमें कुछ व्यू करना है, देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे। ऐसे हमें अगर कुछ इंसर्ट करना है तो हम कौन सी टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। और यहाँ पे इंसर्ट क्या करना है, हमें कुछ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस क्या है, इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्या है, दो ग्रुप्स के नाम है, ओके। उन ग्रुप्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए आप क्लिप आर्ट एक होता है, ठीक है। सो मोस्ट वर्ड प्रोसेसर हैज सपोर्ट फॉर इंसर्टिंग इलस्ट्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्लिप आर्ट, शेप्स, पिक्चर्स, चार्ट्स एटसेट्रा। इलस्ट्रेशंस के अंदर आपके रहेंगे क्लिप आर्ट्स, शेप्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, ओके। और आपकी गैलरी, आप कोई भी पिक्चर भी यहाँ पे यू नो इंपोर्ट कर सकते हो, आप कोई भी क्लिप आर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो किसी वेबसाइट से, ये वेबसाइट से जहाँ से आप क्लिप आर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो और अपने वर्ड में उसको यूज़ कर सकते हो। टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट, अब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ड प्रोसेसर को हमें ओपन करना है जैसा कि हम हमेशा करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया था इंसर्ट करना है तो कौन से टैब में जाएंगे, यहाँ पे इन सबको टैब्स बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ओके। तो हमें पहले हम होम टैब पे थे जब हमें फॉर्मेटिंग करनी थी कोई भी कैरेक्टर या वर्ड फॉर्मेटिंग, अगर हमें इंसर्शन का काम करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे। तो इंसर्ट टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आप टेबल भी कर सकते हो, पिक्चर्स भी कर सकते हो, क्लिप आर्ट भी कर सकते हो, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ओके, हेडर फुटर। तो हेडर फुटर इंसर्ट करना सीखा हमने, पेज नंबर हमें इंसर्ट करना आ गया, ओके। अब हमें जो इंसर्ट करना देखना है शेप्स, चार्ट्स, क्लिप आर्ट्स, पिक्चर्स, टेबल्स, ये सारा। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, इनके ग्रुप्स ध्यान रखना है, हमेशा ग्रुप्स ध्यान रखना है आपको हर टाइप के अंदर सारे ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन है, लाइक पेजेस के अंदर कौन है आपके, पेजेस ग्रुप के अंदर है कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। आपका टेबल्स के अंदर कौन है, सिर्फ टेबल, ओके। फिर इलस्ट्रेशंस के अंदर पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स। फिर आपके हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर कौन है, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। देन आपके टेक्स्ट के अंदर है क्विक पाथ्स, वर्ड आर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा टेक्स्ट के अंदर आएगा। फिर आपके सिंबल्स के अंदर है इक्वेशन एंड सिंबल्स। तो ये सारे आपको जो ग्रुप्स है छह ग्रुप्स आपको ध्यान रखने हैं, ओके। फिर नेक्स्ट आप देखिए अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करनी है। हम यहाँ पे इंसर्शन किसकी बात कर रहे हैं, क्लिप आर्ट की। तो ऑब्वियसली इंसर्ट टैब में जाके इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में आपको क्या मिलेगा, क्लिप आर्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अगर आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है तो आप कौन से ग्रुप के अंदर जाओगे, तो ग्रुप कौन सा है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर जाएंगे, ओके। तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखने को आएगा, या आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लिप आर्ट भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी क्लिप आर्ट्स होती है, लाइक यहाँ पे आपको सोशल से रिलेटेड कुछ मैप्स से रिलेटेड चाहिए, या फिर कुछ मैथ्स से रिलेटेड चाहिए, या फिर कुछ कार्टून पिक्चर्स चाहिए, ओके, या फिर कुछ ट्रैवलिंग के, कुछ ट्रांसपोर्टेशन टाइप के कुछ पिक्चर्स चाहिए। तो जैसे आपको क्लिप आर्ट्स मतलब सिंपल पिक्चर्स ही एक तरीके से कार्टून पिक्चर्स, ओके। सो जिस टाइप की आपको कोई कार्टून पिक्चर चाहिए आप वो कैटेगरी यहाँ डाल सकते हो। अगर आप लिखते हैं ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे आपको जैसे कार वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो है लाइक ट्रक्स वगैरह उनकी पिक्स आ जाएगी कार्टून पिक्स। तो आप उनको यहाँ से उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो
इंसर्ट हो जाएगी. ओके सो नेक्स्ट है आपका वंस यू क्लिक गो अ विंडो अपीयर्स अलोंग विद अ लिस्ट ऑफ क्लिप आर्ट्स मैचिंग द सर्च कीवर्ड. आपके पास आ जाएगी जो मैंने बोला अभी आपको. ओके ये देखिए आपने जैसे लोगो लिखा तो आपके पास कुछ लोगो के ऑप्शंस आ जाएंगे. आप उनमें से कोई भी एक लोगो पे डबल क्लिक करिए तो आपका इंसर्ट हो जाएगा. नाउ यू विल लर्न टू डाउनलोड अ क्लिप आर्ट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड यूज इट इन योर डॉक्यूमेंट. अब हम क्या कर सकते हैं इनमें जो वर्ड आर्ट्स जो क्लिप आर्ट हमारे पास अवेलेबल है इसके अलावा हमें कोई क्लिप आर्ट चाहिए तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं. ओके गूगल से तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें डाउन गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके ऊपर www.openclipart.org टाइप करना है. इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आएगा. इनमें से आप जो भी चाहें उस पर क्लिक कीजिए. ओके आपके पास आ जाएगा जैसे कि यू कैन यूज़ द सर्च बॉक्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर व्यूइंग द लिस्ट ऑफ क्लिप आर्ट्स टू सूट योर नीड्स. फॉर एग्जांपल टाइप स्कूल बैग इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक सर्च. अगर आप वहाँ पे इस वेबसाइट ओपन करके सर्च में बैग्स डालते हैं स्कूल बैग्स तो स्कूल बैग्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगे. ओके इनके कुछ कार्टून टाइप की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी. जो भी आपको चाहिए आपको वर्ड में अवेलेबल नहीं है तो आप इस वेबसाइट पर जाके वहाँ से पर्टिकुलर क्लिप आर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए तो क्लिप आर्ट आपके पास आ जाएगा. आप उसको डायरेक्टली अपने डॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ओके तो आपको जब उसको आप इस डॉक्स के अंदर यूज़ करेंगे आप क्लिप आर्ट में जाके उसको इंसर्ट नहीं करेंगे. आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने प्लेस में इस पिक्चर को डेस्कटॉप से ड्रैग करके भी यूज़ कर सकते हैं. ओके सो विद दिस आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. थैंक यू सो मच.